अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 3B ऑफ चैप्टर नंबर 3 बेसिक अलजेब्रा एंड अलजेब्राइक मैनिपुलेशन। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, देवी बार सेवन स्किट एट एक्स डॉलर ईच, यानी कि सेवन स्किट है उनमें से एक की जो प्राइस है वो एक्स डॉलर है। इस तरह एन स्किट एट 12 डॉलर ईच, यानी कि जो एन स्किट बाय कर रही है उनमें से हर एक की प्राइस कितनी है 12, यानी एन है तो कितनी हो जाएगी 12 एन टोटल प्राइस। इसी तरह 2n+1 स्किट एट 15 डॉलर, यानी कि उनमें से जो 2n+1 स्किट है उनमें हर एक की प्राइस कितनी है 15 डॉलर। तो 2n+1 की कितनी हो जाएगी 2n+1 × 15 डॉलर। ठीक है ठीक है, यानी जैसे आप एक पेन बाय करते हैं 10 का, तो 10 बाय करेंगे तो 10 से उसे फिर मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी वैल्यू को, उसकी प्राइस को। इस तरह 4 स्किट जो बाय कर रहे हैं वो उनमें से हर एक की प्राइस है 3x, यानी कि 4 × 3x आ जाएगा टोटल प्राइस। तो टोटल कॉस्ट हमने फाइंड करनी है स्किट शी बॉर्ड, यानी डिफरेंट एक टाइप ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, ठीक है, 4 टाइप की स्किट है, यानी डिफरेंट 4 प्राइसेस पे वो बाय कर रही है उस, तो उनकी टोटल कॉस्ट जो है हमने जो है वो फाइंड करनी है। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है, इसमें इनिशियली हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि जो 7 स्किट है उनमें से हर एक की प्राइस कितनी है एक्स डॉलर, यानी कि 7 स्किट मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा एक्स डॉलर। ठीक है, डॉलर पहले लिखते हैं जो करेंसी होती है। टोटल कॉस्ट आ जाएगी हमारे पास 7x × x डॉलर, प्लस फिर देखें जो है एन स्क्वायर्ड, यानी कि ईच 12 डॉलर, यानी कि एन इंटू डॉलर 12, प्लस इसके बाद 2n+1 स्क्वायर्ड एट 15 डॉलर ईच, यानी कि 2n+1 जो स्क्वायर्ड है उनके में से हर एक की प्राइस है हमारे पास 15 डॉलर। तो हमने टोटल को जितनी भी स्किट होंगी, नंबर ऑफ स्किट उनका हम मल्टीप्लाई कर देंगे, उनमें से जो एक की प्राइस है यानी जो हमें गिवन है 15 डॉलर। इसी तरह हमें गिवन है 4 स्किट की जो है वो उनमें से हर एक की प्राइस कितनी है 3x डॉलर। ठीक है, यानी कि प्लस 4 जो स्किट है उनमें से हर एक की प्राइस है 3x डॉलर। अब हमने क्या करना है, इनको जस्ट मल्टीप्लाई करना है और टोटल प्राइस आ जाएगी हमारे पास। तो ये डॉलर सारी टर्म में इन्वॉल्व है, तो मैं अगर इसे पहले लिख लूँ तो उससे क्या होगा, हमारी सिंप्लीफिकेशन ईजी हो, 7 × x 7x, n × 12 क्या आ जाएगा 12n, फिर ये 15 × क्या आ जाएगा 2n+1, और प्लस 4 × 3 क्या आ जाएगा 4 × 3 = 12, और 7x आ जाएगा। और डॉलर जो है हमने ऑलरेडी जो है बाहर लिख दिया हुआ है हर टर्म में, देखिए इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी डॉलर हुआ, तो हमने एक साथ ही फर्स्ट पे लिख दिया डॉलर। तो ये आ जाएगा 7x+12n+15 × 30n+15 × 115 + 12x, ये हमने ब्रैकेट के इनसाइड इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब हम टर्म को अरेंज कर देते हैं, 7x+12x, ठीक है, और ये n है, तो आ जाएगा 12n+30n+15। ठीक है, अब डॉलर साइन एज इट इज, 7 और 12 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 19x 12n और 30n हो जाएंगे 42n, और प्लस 15 जो एज इट इज रह जाएगा। तो ये हमने टोटल कॉस्ट जो है जो कि डेवी बार कर रही है, टोटल कॉस्ट ऑफ स्किट, ठीक है, टोटल कॉस्ट ऑफ स्किट कितनी आ गई है 19x+42n+15 डॉलर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया, क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।